अलवर शहर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल मैच में करोड़ों के सट्टे लगने का खुलासा किया है। आईपीएल में लगाए गए करोड़ों के सट्टे की राशि की वसूली करते हुए एक ब्रोकर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,00,000 रुपए नगद और करोड़ों रुपए के हिसाब के रजिस्टर और कागजात मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दरअसल आज दोपहर बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास आईपीएल के सट्टे का हिसाब गाड़ी में बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर दबिश दी गई तो सट्टे की राशि की उगाही करते एक जने को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 1,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए। इसके पास से करोड़ों रुपए के हिसाब के कागजात भी मिले हैं। शहर कोतवाल राजवीर सिंह ने बताया कि 1 माह से लगातार सूचना मिल रही थी और इनका पीछा किया जा रहा था। आज बस स्टैंड अलवर पर साई मंदिर के पास हरियाणा के फिरोजपुर निवासी शाहिद को एक वाहन से गिरफ्तार किया है। इनके पास से तलाशी में 1,00,000 रुपए नगद, एक मोबाइल और करोड़ों रुपए के हिसाब के कागजात मिले हैं। उन्होंने बताया कि इनका पूरा नेटवर्क है जो आईपीएल का सट्टा लगाते हैं। इनके नेटवर्क के लिए पूछताछ की जा रही है। शेष साथी भागने में सफल हो गए, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये आरोपी हर बार अलग अलग वाहन में अलवर आते हैं और कारोबार करते हैं। आईपीएल क्रिकेट सट्टे की एक बड़ी कार्रवाई करी हमने। कलेक्शन करने वाली एक वाहन में एक व्यक्ति और उसके बाद 1,00,000 रुपए बरामद किया है और पैसों का हिसाब किताब भी मिला है। ये लोग आईपीएल सट्टे की कार्रवाई कहीं और कर रहे हैं, वहाँ से कलेक्शन करने के लिए बस स्टैंड पर आए हुए थे। उनको हमने गिरफ्तार किया है एक और वाहन जब्त किया, 1,00,000 रुपए जब्त हुए हैं। इनके पास हिसाब किताब मिला है और भी इनसे जिन जिन लोगों के नाम जुड़े हुए हैं अलवर में, वहाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी हम इस भोजनालय से भी इसका लिंक है आईपीएल सट्टे से, यहाँ भी से कुछ काम चलता है, तो इस संबंध में हमें यहाँ तलाशी लेना है, कुछ रिकॉर्ड वगैरह में। कलेक्शन वाला व्यक्ति वाले एक वाहन है और एक ड्राइवर है। क्या नाम? अभी अनुसंधान जारी किया जा रहा है।